मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फीफा ट्रॉफी की कनाडा के शहर टोरंटो आमद, साबिक कैनेडियन फुटबॉलर का मिले जुले जज्बात का इजहार। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2026 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक में तबाही मचाने वाले तूफान से कनाडा के भी मुतासिर होने का खदशा। तूफान निकोल के सबब जनूबी ऑन्टेरियो में 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। टोरंटो में वीकेंड पर बर्फबारी का इम्कान। ट्रूडो हमारी जम्हूरियत को बचाने में नाकाम रहे हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा की चीन के इंतखाबात में मदाखलत के बयान पर ट्रूडो पर तनकीद। इनका कहना था कि हमें ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो खतरनाक दुनिया में कनाडा के मफादात का दिफा करे। रूस का अपने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसून से इनखला का हुक्म। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खरसून पर कब्जा किया था। रूसी हुकाम का कहना है कि खरसून से इनखला का फैसला मुश्किल है। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में तारीख रकम, 3 पाकिस्तानी अमेरिकन्स कामयाब। बाइडन अगली बार सदारती उम्मीदवार बनने से घबरा गए। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन, ऐवाने नुमाइंदगा में रिपब्लिकन्स की डेमोक्रेट्स पर बढ़तरी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जोश, खुशी और आंसू के साथ टोरंटो पहुंच गई। खेलों की दुनिया की सबसे मशहूर ट्रॉफी बुध की सुबह टोरंटो पहुंची। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जोश, खुशी और आंसू के साथ टोरंटो पहुंच गई। खेलों की दुनिया की सबसे मशहूर ट्रॉफी बुध की सुबह टोरंटो पहुंची। बैन अलावामी फुटबॉल की बालादस्ती की अलामत फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने 20 नवंबर को कतर में शुरू होने वाले टूर्नामेंट से कबल आलमी दौरे के हिस्से के तौर पर कनाडा में अपना वाहिद स्टॉप बनाया। कनाडा जो कि 32 वर्ल्ड कप टीमों में से एक है, 36 सालों में इस खेल के सबसे बड़े शोकेस में पहली बार शिरकत कर रहा है। कनाडा के मर्दों की कौमी टीम के साबिक मिडफील्डर डॉविन डी रोजारियो, जिन्होंने पेरसन एयरपोर्ट पर सोने की ठोस ट्रॉफी का इस्तकबाल करने में मदद की, जोश और तवानाई काबिले दीद थी। उन्होंने कहा वो इससे पहले कभी ट्रॉफी के इतने करीब नहीं थे। उनका कहना था कि मैं जज्बात, जोश और खुशी और आंसुओं से भरा हुआ था। असल ट्रॉफी जोश पैदा करने के लिए 51 मुल्कों के दौरे पर है। 23 नवंबर को कनाडा टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2026 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। डी रोजारियो ने कहा कि ये एक अहम अलामत है जो मैदान से बाहर मायने रखती है। उन्होंने कहा कि ये एक ट्रॉफी है जो दुनिया को मुत्तहिद करती है, ये दुनिया को इकट्ठा करती है। हर कौम, हर बर्रे आज़म, हर मुल्क किसी न किसी सलाहियत में फुटबॉल में शामिल है। 18 कैरात सोने से बनी असल वर्ल्ड कप ट्रॉफी 36.8 सेंटीमीटर लंबी है या 14.5 इंच और इसका वजन 6.142 किलोग्राम या 13.54 पाउंड है। इसमें दो इंसानी शख्सियतों को दिखाया गया है जो एक ग्लोब को ऊंचा रखे हुए हैं। कनाडा में ट्रॉपिकल तूफान निकोल की बाकियात के टकराने से जनूबी ऑन्टेरियो के मौसम में एक बड़ी तब्दीली वाकिया होगी। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ममालिक में तबाही मचाने वाले तूफान से कनाडा के भी मुतासिर होने का खदशा है। कनाडा में ट्रॉपिकल तूफान निकोल की वाकयात के टकराने से जनूबी ऑन्टेरियो में मौसम में एक बड़ी तब्दीली वाकई होगी। टोरंटो ने गुज़िश्ता हफ्ते को नवंबर में अब तक का सबसे गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने के बाद इस आने वाले वीकेंड तक बर्फबारी का इम्कान है, जिससे कबल तूफान के सबब शदीद बारिश भी मुतवक्के है।
जुमेरात को शहर एक अहम मुसलसल के आखिरी धूप वाले दिन का तजर्बा करेगा जब दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। निकोल बुध के रोज शुमाली बहामास के कुछ हिस्सों से टकराया और जुमेरात की सुबह फ्लोरिडा से टकराने से पहले कैटेगरी 1 का समंदरी तूफान बनने की पेशगोई की गई है। रियासत में तूफान की लहर, नुकसानदेह लहरें, साहिली कटाव और सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। इसके बाद तूफान के शुमाल की तरफ कनाडा की सरहद की तरफ बढ़ने की पेशगोई की गई है। जब तक यह ऑन्टेरियो के करीब पहुंचेगा, निकोल को पोस्ट ट्रॉपिकल समझा जाएगा। कैनेडियन ब्रेकिंग सेंटर का कहना है कि सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में बारिश की मिकदार 50 से 100 मिलीमीटर की हद में हो सकती है। इसके बाद बाकी मांदा क्यूबैक और मैरीटाइम सूबों में मुंतकिल हो जाएगा, एक अलहदा कोलोराडो के साथ जम हो जाएगा। ये तूफान जुमेरात और जुमे को शुमाली ऑन्टेरियो में फैलेगा। थंडर बे और सॉल्ट सिटी जैसी जगहों पर बर्फ, बर्फ के गोले, बर्फ का इजाफा और जमने वाली बारिश लाएगा। जैसे ही दोनों सिस्टम्स ऑन्टेरियो से रवाना होंगे, तेज शुमाल और मगरबी हवाओं की बदौलत ठंडी हवा शुरू हो जाएगी ग्रेट लीक्स के मशरक में और मुमकिन तौर पर टोरंटो में हफ्ते की रात और इतवार को बर्फबारी मुमकिन होगी। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि ट्रूडो हमारी जम्हूरियत को चीन के खतरात से बचाने में नाकाम रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर का कहना है कि ट्रूडो हमारी जम्हूरियत को चीन के खतरात से बचाने में नाकाम रहे हैं। चीन के 2019 के वफाकी इंतखाबात में मदाखलत के कैनेडियन वजीर आजम के बयान पर कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कैनेडा की जम्हूरियत को बचाने में नाकाम रहे हैं और कंजर्वेटिव एमपीज पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात पर जोर दे रहे हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा का कहना था कि ये बहुत परेशान कुन है कि वजीर आजम गुज़िश्ता जनवरी से कैनेडा के इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत के इल्जामात के बारे में जानते हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना था कि किसी भी गैर मुल्की हुकूमत का हमारे इंतखाबात या हमारे मुस्तकबिल पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ये कैनेडियन के हाथ में रहना चाहिए और अब तक वजीर आजम के साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो हमारी जम्हूरियत को बचाने में नाकाम रहे हैं। पॉलिवर ने सहाफियों को बताया कि ट्रूडो को ये बताने की जरूरत है कि वो कनाडा के इंतखाबात में चीनी मदाखलत के बारे में क्या जानते थे और उन्होंने इस धमकी का क्या जवाब दिया। कंजर्वेटिव रहनुमा ने कहा कि हमें एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो इंसानी हुकूक और आज़ादियों के लिए खड़ी हो और तेजी से खतरनाक दुनिया में कनाडा के मफादात का दिफा करे। रूस ने अपने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसून से इनखिला का हुक्म दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि खरसून को यूक्रेनी फौज ने खुद आज़ाद करवाया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस ने अपने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसून से इनखिला का हुक्म दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि खरसून को यूक्रेनी फौज ने खुद आज़ाद करवाया है। खरसून उन चार यूक्रेनी इलाकों में शामिल है जिनका रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगो ने यूक्रेन में रूसी फौज के कमांडर सरगई सोरकिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात में बताया कि खरसून से रूसी अफवाज को निकालना शुरू कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज का यूक्रेन के शहर खरसून से इनखिला अहम पेशरफ्त है। रूसी जर्नल का कहना है कि खरसून शहर में मौजूद रूसी फौजियों को सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं रहा है। खरसून से इनखिला का फैसला मुश्किल है, ताहम अपने फौजियों की जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। खरसून यूक्रेन के उन चार इलाकों में से एक है जिनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर में रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। रूस ने मार्च में यूक्रेन पर हमले के दौरान खरसून पर कब्जा किया था। यूक्रेनी सदर के मुशीर मिखेलियो पोडिलाक ने रूसी ऐलान के बाद कहा है कि कुछ रूसी फौजी अब भी शहर में मौजूद हैं। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि ऐसे कोई आसार नहीं मिले कि रूसी फौजियों ने लड़े बगैर शहर खाली किया हो। अमरीका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ऐवाने नुमाइंदेगान में रिपब्लिकन्स ने 207 नशिस्तें हासिल करके बढ़तरी हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट्स ने 188 नशिस्तें जीती। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ऐवाने नुमाइंदेगान में रिपब्लिकन्स ने 207 नशिस्तें हासिल करके बढ़तरी हासिल कर ली है। डेमोक्रेट्स ने 188 नशिस्तें जीती। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में तारीख रकम हो गई। तीन पाकिस्तानी अमेरिकन रियासती असेंबली और सेनेट में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी और डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास की रियासती असेंबली के पहली बार रुकन मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। कनेटिकट में डॉक्टर सऊद अनवर मुसलसल तीसरी बार रियासती सेनेटर मुंतखब हुए हैं। 50% से जायद
गिने गए वोटों के मुताबिक कांग्रेस के पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद पर हरीफ योंग कम को वाजे बर्तरी हो गई है। इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार सहराब गिलानी भी मैदान न मार सके। ताहम कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले अली सज्जाद ताज मुसलसल तीसरी बार आर्टिशिया शहर के मेयर मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में बुरी परफॉर्मेंस पर अमरीका के सदर जो बाइडन अगली बार सदारती उम्मीदवार बनने से घबरा गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर बाइडन ने कहा कि वो दूसरी बार सदारत का उम्मीदवार बनने का फैसला अगले बरस करेंगे। एक बार सदर बनने वाला लीडर आमतौर पर दूसरी बार भी सदारत का इलेक्शन जरूर लड़ता है। सदर बाइडन ने ऐवान में पता हासिल करने वाले रिपब्लिकन से समझौते पर भी आमादगी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि वो स्पीकर बनने के रिपब्लिकन उम्मीदवार क्योन मैककार्थी को टेलीफोन करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीन रियासतों जॉर्जिया, नेवाडा और एरिजोना में दोबारा इंतखाबात फैसला कुन साबित होंगे और इसके बाद ही ऐवान पर किसी जमात के मुकम्मल कंट्रोल का फैसला होगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।